हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल house.com पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे चैनल की पहली वीडियो, जिसमें हम आपको 4BHK लग्जरी विला 123 गज में बना हुआ दिखाने वाले हैं। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये सेक्टर 123 ग्रेटर मोहाली नियर 200 फीट एयरपोर्ट रोड के पास रहने वाला है। तो यहाँ से 4 किलोमीटर बाद न्यू चंडीगढ़ मेडी सिटी स्टेडियम, तो ये सब नियर बाय रहने वाला है। तो चलिए गाइस, चलते हैं विला के अंदर, देखते हैं इसमें हमें क्या क्या प्रोवाइड हो रहा है। तो अगर हम इसके एलिवेशन की बात करें तो ये बहुत ही बढ़िया एलिवेशन, ऐसा लग रहा है बाहर से कि 150 गज की कोठी दिखा रहे हूँ हम आपको। तो जैसे ही हम विला के अंदर एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पर बड़ी से बड़ी गाड़ी की पार्किंग स्पेस मिल जाएगा, और राइट साइड हमारे टू व्हीलर पार्किंग की स्पेस रहने वाली है। और एक हमने 3000 लीटर का वाटर टैंक यहाँ पे आपको वाटर स्टोर करने के लिए दिया है, एक टैंक हमने आपको 1500 लीटर का ऊपर दिया है। इसकी बात करें तो यहाँ पे हमें वेलकम वॉल मिल रही है वुडन वर्क विद LED लाइट्स के साथ। तो एंट्रेंस में हमें एक टीक वुड से बना हुआ हैवी डोर विद मिरर्स वाला मिल रहा है, मजेदार गेट है ये, मैंने तो देख के बहुत मजा आ गया है। एंट्रेंस बढ़िया होनी चाहिए घर की आपके। तो चलिए गाइस, जैसे ही हम विला के अंदर एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पर काफी अच्छा स्पेशियस ड्राइंग डाइनिंग एरिया मिल जाएगा, जिसमें हर एक वॉल आपके ड्राइंग डाइनिंग एरिया की ना बहुत अट्रैक्टिव रहने वाली है। जैसे आप देख रहे हैं ये सारा हमने वॉल के ऊपर वुडन वर्क किया हुआ है, और कॉर्नर पे आपको हम मिरर्स दे रहे हैं। मिरर्स के बिल्कुल साथ आपको एक POP वॉल मिल रही है, बहुत ही प्यारी वॉल, जिसमें हमने बॉक्सेस और वॉलपेपर की प्रोविजन छोड़ी है। आप वॉलपेपर्स यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे अपनी लाइट्स हैंगिंग कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग इसकी प्रॉपर टीक वुड के साथ 3D डिजाइन वाली की हुई है। मतलब ड्रॉइंग डाइनिंग हमारा ना इतना अट्रैक्टिव रहने वाला है ना कि बस गेस्ट आएंगे और आपकी कोठी को कॉपी करके अपनी कोठी बनवा लेंगे। और एक हमने यहाँ पे क्रॉकरी पैनल भी दिया है, ड्राइंग डाइनिंग एरिया बढ़िया स्पेशियस किचन मिलने वाली है हमें। और एंट्रेंस में हमें वुडन वर्क का जो पार्टीशन यहाँ पे मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग बड़ी अच्छी यहाँ पे हम लगा के दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पे जो किचन का कंसेप्ट है ना, हमने डबल स्लैब किचन बनाया है। ये डबल स्लैब किचन वाला कंसेप्ट आपको बहुत कम मिलेगा, एल शेप वाली किचन, यू शेप वाली किचन आपने बहुत देखी होगी। ये वेट एरिया अलग है, इसका ड्राई एरिया बिल्कुल अलग किया हुआ है। पूरी किचन जो आपकी हाइड्रोलिक रहने वाली है सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ, हर एक चीज की प्रोविजन है इसमें, बड़े बर्तन छोटे बर्तन, माइक्रोवेव, चिमनी, गीजर, RO इसका हिडन रहने वाला है। यहाँ पे RO आपका हिडन आएगा, अंदर आएगा इसका। और फिटिंग्स जो सारी हैं, जो सैनिटरी फिटिंग हमारी जगुआर की रहने वाली है, साउंड प्रूफ सिंक रहने वाले हैं। और अगर हम इसके रूम्स की बात करें तो चलते हैं रूम्स की तरफ, काफी स्पेशियस रूम्स इसमें बनाए गए हैं। तो 12x14 का ये रूम रहने वाला है हमारा, मास्टर बेडरूम। इसमें सारी फॉल सीलिंग के डिजाइन 3D मिलने वाले हैं आपको, सारी कोठी में आपको फॉल सीलिंग के डिजाइन जो है 3D मिलने वाले हैं। और वॉलपेपर्स की प्रोविजन जो हमारे बेडरूम बेड के बैकग्राउंड में रहने वाली है, वॉलपेपर यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। और जो कवर्स हैं इसके, काफी अच्छे कवर्स रूफ टच तक, ये चीज आपने पहली बार देखी होगी, रूफ टच तक यहाँ के कवर्स रहने वाले हैं। नीचे आपको शू रैक्स सारे सॉफ्ट क्लोजर मिलने वाले हैं एज इट इज। तो इधर आपका ड्रेसिंग अलग रहने वाला है। तो हर रूम में आपको LED पैनल, ड्रेसिंग, कबर्ड्स, अटैच वॉशरूम। तो वॉशरूम की बात करें हम, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे वॉशरूम हमने बनाया है, विद वैनिटी, वॉल हैंगिंग सीट, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, 10 फीट तक टाइल्स लगाई हुई है ऊपर तक, सारी फिटिंग आपको जगुआर की मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम दूसरे बेडरूम की तरफ। तो ये है हमारा दूसरा बेडरूम, 11x14 का, ये भी बहुत स्पेशियस है। इसमें भी सेम 3D डिजाइन, थोड़ा डिफरेंट हो गया है। और कवर्ड्स की बात करें हम, तो कवर्ड्स इसके स्लाइडर दिए गए हैं यहाँ पे, इसमें डबल टोन के साथ रूफ टच तक स्लाइडर कवर हमने आपको प्रोवाइड करे हैं यहाँ पे।
एलईडी पैनल जो कि कवर्स के साथ का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाया गया है। सेम इसमें अटैच वॉशरूम, ड्रेसिंग एज इट इज रहने वाला है। एसी फिटिंग्स की बात करें तो ये सारे रूम्स में हम आपको दे रहे हैं। चारों रूम्स में हम एसी फिटिंग्स और ड्राइंग, दोनों ड्राइंग डाइनिंग में ऊपर भी और नीचे भी। वॉशरूम की बात करें इसमें सेम वॉशरूम जैगुआर की फिटिंग, वॉल हैंगिंग सीट्स और जो टाइल्स वर्क है इसमें लाइट कर दिया हमने थोड़ा सा, क्योंकि घर में तीन चार तरह के बंदे होते हैं, जिसको लाइट पसंद आती है, किसी को डार्क टाइल्स पसंद आती है। पीछे हमने साथ ही हमने पीछे वॉशिंग एरिया दिया है। तो वॉशिंग एरिया की मेन बात होती है, आजकल आप सोचते हो कि बैक टू बैक विला नहीं होना चाहिए, तो हमारे बैक टू बैक विला जरूर है, बट इसमें ना 10 फीट की वेंटिलेशन है। आपको यहाँ पे आके ना बिल्कुल फील नहीं होगा कि यहाँ पे बैक टू बैक विला है, लाइट नहीं है, ये कंसेप्ट अच्छा नहीं लग रहा। तो हमने पूरी 10 फीट की वेंटिलेशन दी है, तो ये चीज देखने हमारी जरूर आई है। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर, अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। सारी सीढ़ियां स्टील रेलिंग के साथ आपको एज इट इज मिलने वाली है। जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे एंटर करते हैं, यहां हमें स्ट्रेट रनिंग बालकनी मिल जाती है विद टफन ग्लासेस, और यहां पे हमें सिटिंग एरिया मिल जाता है, और सेम चीज एंट्रेंस वॉल, वेलकम वॉल जो हमारी रहने वाली है वो सेम टेक्सचर और वुडन वर्क के साथ एलईडी लाइट्स एज इट इज रहने वाली है। यहाँ पर कलर चलो आपकी चॉइस का हो जाए। तो इसमें एक प्लस पॉइंट जो दिया गया है, मतलब जो सीढ़ियां इसकी ना रूफ तक बाहर से दी गई हैं, और साथ ही इसके वॉशिंग एरिया मिल रहे हैं हमें। और ये पोर्शन जो रहने वाला है हमारा ऊपर वाला, ये प्रॉपर सेपरेट पोर्शन रहने वाला है, जिसके एंट्रेंस पे सेम टीक वुड और मिरर के साथ जो हैवी डोर बनाया गया है ये हमें एज इट इज मिलेगा। और जैसे ही हम ऊपर वाले फ्लोर पे एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे काफी बड़ा ड्राइंग डाइनिंग प्लस ओपन किचन मिलने वाली है यहाँ पे। अगर कुछ लोग यहाँ पे ओपन किचन नहीं पसंद करेंगे तो यहाँ पे हम पार्टीशन करके दे देंगे। बात करें फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी, सिंपल, सुंदर, टिकाऊ, बहुत अच्छी लग रही है हमें यहाँ पे। और सेम किचन के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपको सेम पीओपी वॉल मिल रही है। इनके बॉक्सेस में हम अपने वॉलपेपर्स, अचीवमेंट्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर वाले रूम्स की तरफ। तो रूम की बात करूं मैं तो सेम यार, रूम तो 12x14 के इस विला के रूम ही तो अच्छी चीज है। रूम्स बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं, स्पेशियस मिलने वाले हैं। और वॉशरूम की बात करें तो सेम नीचे हमें वैनिटी, जैसे नीचे आपने देखी थी वॉशरूम में, सेम ही हमें वैनिटी यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है। और वॉशरूम में ना मतलब टाइल्स जो इन्होंने इंस्टॉल करी है ना, ये मजेदार टाइल्स हैं, दिल करता है कि अभी नहा ले बस। जैगुआर की फिटिंग है सारी, स्पेंजा की टाइल्स हैं, वॉल हैंगिंग सीट है, कबर्ड्स हैं, पैनल्स हैं, ड्रेसिंग है। सेकंड बेडरूम में सेम जैसे हमने नीचे बेडरूम देखा था सेम साइज है, फॉल सीलिंग का डिजाइन थोड़ा डिफरेंट हो गया है। सेम कबर्ड्स रहेंगे यहाँ पे, ड्रेसिंग रहेगा, अटैच वॉशरूम रहेगा, लाइट वाइट टाइल्स, इसके पीछे भी एक छोटी सी बालकनी हमने दी है। तो जी ये था हमारा 123 गज में बना हुआ 4BHK लग्जरी विला एयरपोर्ट रोड के बिल्कुल पास। तो अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की आपको डिटेल्स जो है कोई भी नहीं बताएगा। आप हमारी साइट पे लाइव विजिट करें, हम आपको कंस्ट्रक्शन हमारी लाइव दिखाएंगे। हमने एक कोठी में 14 पिलर डाले हैं, मतलब एक वॉल में हमने 5 पिलर डाले हैं। या पूरी मार्केट में आपको ऐसी कंस्ट्रक्शन कभी नहीं मिलेगी। आप आइए विजिट करिए, आपको हम अपनी लाइव साइट दिखाएंगे, लाइव कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे, कौन सा ईंट, कौन सा सरिया, बजरी, रेता हम यूज कर रहे हैं। तो इसी के साथ आपसे मैं आज्ञा लेता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। अपना चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना प्लीज़ मत भूलना। नया चैनल है, आपका बच्चा छोटा भाई समझ के मेरे को सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।